अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम हॉट सीट में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाज़रीन, अगर हम आज की बात करें कि आज क्या स्टोरीज जो हैं ज़बाने ज़दे आम हैं, क्या आज के हॉट इश्यूज़ हैं जिनको आज हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, शेयर करेंगे, और तज़िए तबसरे के साथ के लिए जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, पहले तारुफ करवा देती हूँ जी। ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ मेहमान को, मेहमान हमारे लिए मौजूद होते हैं, काबिल इज्जत होते हैं, तो हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए, प्रोग्राम के वकार को बुलंद करने के लिए। तो आज का जो अहम इशू है, सबसे बड़ी खबर तो आज की यही है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी घेरा तंग होने जा रहा है, या हम एहतसाब 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 की बात जो सुनते चले आ रहे हैं नया पाकिस्तान का दावा करने वालों से, क्योंकि नया पाकिस्तान अभी बना नहीं है। तो अभी तो मैं दावे की ही बात करूंगी क्योंकि अभी इन प्रोसेस है। अभी नया पाकिस्तान का दावा करने वाले, नारा लगाने वाले जो 22 साल से नारा लगा रहे थे, अभी वो आए हैं। आने के बाद वो क्या करेंगे, अभी चूंकि हनीमून पीरियड है, तो अभी तो हनीमून पीरियड भी सही तरह से शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि नया पाकिस्तान बन चुका है। उन्होंने भी बार बार एहतसाब की बात की, उन्होंने कहा कि एहतसाब सबका होगा। खान साहब ने कहा कि एहतसाब सबसे पहले उससे शुरू किया जाए। अब नून लीग का तो एहतसाब बड़ा कड़ा हो रहा है, कड़ी तनकीद भी होती है उन पे, लेकिन वो लोग तनकीद करते हैं दूसरों पे कि बाकियों का एहतसाब कब होगा। तो आसिफ अली जरदारी साहब का एहतसाब भी शुरू होता दिखाई देता है, अकाउंट किस करवट बैठेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आप जानते हैं, 3 बार FIA ने तलब किया आसिफ अली जरदारी साहब को, उनकी हमशीरा समेत 3 बार वो नहीं जा सके। पहले वो इलेक्शन कैंपेन में बिजी थे और भी बहुत से मसाइल हो सकते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड यही बात आई थी कि इलेक्शन कैंपेन, उसके बाद वो जाएंगे। अपना वादा उन्होंने पूरा किया, वो गए, वो पेश हुए वहाँ पे, आधे घंटे तक उनको बिठा के रखा। उनके साथ राजा परवेज अशरफ साहब जो कि साबिक वजीर आजम थे इनके दौर के, यूसुफ रजा गिलानी साहब वो भी साबिक वजीर आजम थे इनके दौर के, दोनों का टेन्योर कम था, वो भी गए थे। मॉरल सपोर्ट होती थी साथ जाना अपने लीडर के, अपनी पार्टी के को चेयरमैन के। अब आसिफ अली जरदारी साहब और बेनजीर शहीद साहिबा और बच्चों के असासे और जो अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात को तलब किया गया है। इस अहम इशू पे हम बात करेंगे। आगे चल के हम बात करेंगे शेख रशीद साहब की, जो कि गैर पार्लियामानी अल्फाज पर के इस्तेमाल पर उतर आए हैं। सेनेट में उन्होंने ये इस तरह के अल्फाज बोले और ऑपोजिशन ने क्या किया जी, वॉकआउट। ओपोजिशन के पास बेहतरीन हल ये होता है कि आप एहतजाजन वॉकआउट कर जाते हैं या फिर आप डिबेट करते हैं। तो मुझे एक बात पे थोड़ा सा एतराज़ होता है, चूंकि मैं आइन के बारे में कोई बात नहीं कर सकती हूँ, क्या आप वहाँ पर बहस करें ताकि ऊँट किसी करवट बैठे, वॉकआउट का क्या हल निकलता है? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े चले जाती हूँ। आइनी लोग बेहतर तौर पर समझ सकते हैं जो आइन का हलफ उठाते हैं और आइन की पासदारी की, आइन के तकद्दस की, इस तरह की जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लीजिए उनकी हमेशा बात करते हैं, और तकद्दस पामाल करने के हवाले से भी बातें सामने आ जाती हैं आइन की, तो वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या वॉकआउट करना बेहतरीन हल होता है? इससे क्या ऊँट किसी करवट बैठता है मसाइल का, या मसाइल जूं के दूर रह जाते हैं और अगला इजलास एक नई बात के साथ, एक नए एजेंडे के साथ शुरू हो जाता है और पुराना एजेंडा वहीं पर पंजाबी में कहता है ठप होकर रह जाता है, किसी को पता नहीं लगता कि पिछले इजलास से आखिर होया की सी और वहाँ पर किया क्या था, किन्ने वॉकआउट किया था, क्यों आगे बात नई शुरू हो जाती है, वो बात पीछे ही रह जाती है। आगे जाके हम बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की, कि आमिर लियाकत साहब व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव हो जाते हैं या खुद ही छोड़ देते हैं और फिर मामला बन जाता है, फिर अभी से तनकीद शुरू कर दी उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे प्रॉब्लम है, उनको कोई प्रॉब्लम है, यानी जो प्रॉब्लम बेबी हैं वो हैं, या फिर पार्टी उनको तंग कर रही है, जो पूरा मामला उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे आगे जाके। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, मैंने तो उनका नाम ही स्मार्ट मैन रखा हुआ है कि बहुत जहीन है, स्मार्ट है, स्मार्टली प्ले करते हैं अपने कार्ड्स, और मुफामत के बादशाह उनको कहा जाता है, तो जिसको मुफामत नहीं आती उसको सियासत मेरे ख्याल से आती नहीं है। ये बात बहुत से लोग कहेंगे बड़ी नेगेटिव बात है, लेकिन डेफिनेटली मुफामत के बादशाह तो हैं, उनको साथ लेकर चलना आता है सबको। जैसा कि सदर के लिए एतजाज़ हसन साहब का नाम दे देना उनकी पार्टी की जानिब से, वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी हम मौलाना फजल रहमान साहब के नाम पर नहीं अग्रिड हैं, हम इनका नाम देते हैं। और बिलावल ने बड़ा स्मार्टली कहा अपने फादर की तरह कि मेरे पास 3 नाम है, पहला नाम एतजाज़ हसन, दूसरा नाम एतजाज़ हसन और तीसरा नाम एतजाज़ अहसन। अच्छा सर, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ घेरा तंग होता दिखाई देता है, FIA ने तलब कर लिया, अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो NRO केस है उसकी समाप्त हुई, और उन्होंने कहा कि जी तमाम जो उनके असासे हैं, अकाउंट्स हैं, उनकी तफसीला तलब की गई है, और स्विस अकाउंट्स के वाले से पूछा गया कि ये बताएं कि क्या आपका कोई स्विस अकाउंट भी है। सर जरा आप बता दें, वो तो पता नहीं बताएं कब बताएं, है अकाउंट वैसे इनका स्विस जी? कुछ ना कुछ तो होगा, जिसके लिए वो अदालत में बुलाए गए हैं और उन पर केस है। तो आसिफ अली जरदारी साहब का जाना भी अदालत में, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, वो अदालत में गए और वो अपने ऊपर जो इल्ज़ाम हैं उनको डिफेंड करेंगे। अब वो कहाँ तक कामयाब होते हैं डिफेंड करने में, और जो अदालत में प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो नैब है, वो कहाँ तक कामयाब होता है नैब उनको
उन पर इल्ज़ाम साबित करने में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोनों तरफ से बड़े वकला हैं और दोनों तरफ से मेरा ख्याल है कि मुकदमा बड़ा सीरियस है और इसके ऊपर हम इंतज़ार कर सकते हैं कि किस करवट ये बैठेगा इस मुकदमे का ऊंट भी। लेकिन असली बात यह है कि अगर किसी ने करप्शन की है तो उसको सज़ा होनी चाहिए और बिला किसी इम्तियाज के होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और अगर इंसाफ होगा तो सब उसे मानेंगे। ऐसा इंसाफ होना चाहिए जो नज़र भी आए और उसमें किसी मसलहत को इंसाफ में नहीं आना चाहिए। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, मुअज्जज जज साहिबान, वो बहुत बारी कह चुके हैं कि इंसाफ होगा और बिला इम्तियाज़ उहदा या उसका असर व रसूख या किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक इसको ख्याल में नहीं रखा जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं कि इसके साथ साथ और भी जो मसाइल सामने आए हैं और इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो परवेज मुशर्रफ साहब के वकील के हवाले से भी बात आपको बता दें, एज इट इज स्टेटमेंट मेरे पास है, क्योंकि जब अदलिया की बात आती है नाजरीन तो मेरी कोशिश होती है कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स हैं मैं उसी वर्डिंग को आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि अदालत के मामले बड़े सेंसिटिव होते हैं और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर या रिस्पॉन्सिबल चैनल, रिस्पॉन्सिबल प्रोग्राम होस्ट के तौर पर आपको बिल्कुल वही बात कोट करनी चाहिए अदालत के बारे में। खास तौर पर मैं तमाम एंकर्स को भी हमेशा ही कहती हूं कि अदालत के बारे में बात करें एग्जैक्टली, सर आप अग्री करेंगे कि उन अल्फाज में जो कि बात हुई होती है बहुत सेंसिटिव इशू होता है और हमारे अदलिया का बहरहाल एक तकद्दस होता है, उसको आप अमाल ना करें, एहतराम करें अदलिया का। परवेज मुशर्रफ साहब के वकील ने कहा कि मुशर्रफ के पास दुबई में फ्लैट है और एक अकाउंट में 92,000 दिरहम है, जबकि जीप है और मर्सिडीज समेत 3 गाड़ियां भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुना है कि मुशर्रफ को सऊदी अरब से तहाइफ भी मिले हैं, क्या मुशर्रफ अपनी सारी जिंदगी की तनख्वाह से भी फ्लैट खरीद सकते थे? उनसे कहें कि अदालत आकर खुद वजाहत कर दें। सर इस पर आपका कमेंट चाहूंगी। ऐसे ज्यादा सख्त जी बिल्कुल ठीक बात है, मेरा ख्याल है करते हैं कि जी एक डिक्टेटर का एक आमिर का हिसाब नहीं होता, उनके बारे में बात नहीं होती, अब इससे ज्यादा खुल के क्या बात करें? इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है हमारे मुल्क में कि तमाम जो मुक्तदर साहिबान रहे हैं और इकतदार में रहे हैं और अभी उनके बड़ा इन्फ्लुएंस है, बैन अल-अक़वामी तौर पर एक हैसियत बन चुकी है पाकिस्तान का सदर रहने की वजह से, तो अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए। अगर अदालत के इल्म में ऐसी बात है तो उन पर जो मुकदमा है उसको आकर फेस करें और अगर उन पर इल्ज़ाम साबित होते हैं तो फिर उसका अपने जो किए हुए हैं उसका नतीजा भी भुगतना चाहिए। ये तो अच्छा वाकई नहीं लगता कि हमारे मुल्क पे हुकूमत करने वाले लोग जो हैं और हुकूमत के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब उन पर इस किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं तो वो मुल्क से फरार की कोशिश करते हैं और बाहर जाके कोई पनाह लेता है, कोई किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती, कोई वैसे ही बाहर बैठा रहता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी रीत है, लेकिन इसमें फिर मैं कहूँगा कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए और प्योर इंसाफ होना चाहिए। अगर प्योर इंसाफ होगा तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी उस पर खुश होगा, हर पाकिस्तानी को ये उम्मीद है कि प्योर इंसाफ हो और कोई ऐसी बाद में बात हमारे इल्म में ना आए कि जी इस वजह से छोड़ दिया गया या उस वजह से छोड़ दिया गया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ा डीप और बड़ा गहरा सवाल और वो ये कि प्योर इंसाफ की बात चीफ जस्टिस साहब तो करते हैं और वो हमेशा बुलाते हैं और एक ही स्टाइल में बुलाते हैं सबको, जो लोग तनकीद करते हैं उन पर कि चीफ जस्टिस साहब की जो तोपों का रुख है वो एक ही तरफ है, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल मैं तो अदालत के बारे में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकती, जिम्मेदार शहरी हूँ, जिम्मेदार एंकर हूँ और एक चैनल पर जिम्मेदार पोजिशन पर बैठी हूँ, तो मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं कर सकती। पॉलिटिशियंस जो कि आइन को भी पढ़ते हैं, हलफ भी लेते हैं, पता नहीं इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं। सर वो तो बुलाते हैं इंसाफ का नारा लगा के, बात करते हैं कि आए पेश हों कटहरे में और तमाम लोग आके बताएं, तफसीलात दें, जो भी मांगा जाता है सासों की तफसीलात दें, लेकिन क्या आगे से जिनको तलब किया जाता है वो भी ताबून करते हैं? जब वो ताबून करते दिखाई नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट
ताली एक हाथ से तो नहीं बनेगी ना, ब्रिगेड सर कहते हैं ताली तो दो हाथ से बचती है, ताली, दो ताली तो एक हाथ से नहीं बचेगी। अच्छा ये सवाल का जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी। अहमद रजा कसूरी साहब ने मैं ज्वाइन किया है और उनसे बेहतर कौन बात कर सकते हैं मुशर्रफ साहब के हवाले से। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुशर्रफ साहब को पहले भी बुलाया गया और चीफ जस्टिस साहब ने बुलंद आवाज में अपने स्टाइल में बुलाया, उन्होंने कहा कि जी वेयर इज दैट कमांडो, कमांडो है तो अदालत से डरता क्यों है, आए और बताए और मुकदमात को फेस करे। और मुशर्रफ साहब ने कहा कि मैं आऊंगा, इलेक्शन से पहले की बात है, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे तहफुजात हैं। और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ये कहता है कि अपनी अहलिया के जो असास हैं उनकी तफसीलात 10 दिन में साबिक आर्मी चीफ जो है वो पेश कर दें। और परवेज मुशर्रफ के हवाले से उन्होंने दोबारा बड़ी दबंग स्टेटमेंट दिए, कहते हैं क्या मुशर्रफ अपनी सारी जिंदगी की कमाई से भी फ्लैट खरीद सकते थे, सारी जिंदगी की तनख्वाह से भी फ्लैट नहीं खरीद सकते थे? कैसे देखते हैं सर इतनी दबंग स्टेटमेंट को? देखिए ये बड़े सेंसिटिव मामलात हैं और इसमें आदमी को बड़ा एहतियात से चलना चाहिए, और चाहे कोई मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे जज हो, ये बड़े सेंसिटिव मामलात हैं। दुनिया में हर जहां जहां अफवाज होती हैं लोग उनकी इज्जत और आबरू का बड़ा ख्याल करते हैं। मैं बहुत रेगुलरली अमरीका जाता रहता हूँ, वहां जब कोई एक अमेरिकन जब किसी फौजी को मिलता है तो हैंडशेक कर कहता है थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज। वो नहीं कि पीछे चेक करता कहते हैं वियतनाम में लड़ा या कहाँ लड़ा, बस जितने हैंडशेक करेगा उसे कहता थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज। तो चीज ये है कि जब आप अदालत में बैठे हो तो आपको थोड़ा सा सोबराइटी से काम लेना चाहिए और इस किस्म के जी के कमांडो बनो ये करो ये चीजें सूट नहीं करती। आई एम नाउ टॉकिंग एज अ सीनियर पॉलिटिशियन एंड अ सीनियर लॉयर। सर हम कानून को भी समझते हैं तौर पे, लेकिन कसूरी साहब और एक पाकिस्तान की आईन बनाने जिस आईन को क्या के थकते नहीं है वो आईन बनाने वालों में से मैं हूँ। आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान। आई रिमेम्बर सर आपने मेरे प्रोग्राम में एग्जैक्टली बड़ी डिटेल में दुनिया में अमेरिका में जाए ना तो जिन लोगों ने आईन बनाया उनके घरों को उनके उनके जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है कि ये वो है हमारे मोहसिन जिन्होंने हमें आईन दिया। बल्कि कसूरी साहब मुझे याद है कि मेरे प्रोग्राम में कुछ दिन पहले आपने बड़ा डिटेल में बताया था कि भुट्टो साहब को कभी किसी ने टफ टाइम नहीं दिया था, लेकिन किसी एक ने दिया था, उनका नाम क्या बताया था आपने? जी आपने बताया था कि भुट्टो साहब को कभी कोई टफ टाइम नहीं दे सका था, लेकिन एक बंदे ने टफ टाइम दिया था, वो अहमद रजा कसूरी था। अहमद रजा कसूरी था, मैं आपसे नाम जानना चाह रही थी। अच्छा सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी घेरा तंग होता दिखाई देता है, एफआईआर ने 3 बार बुलाया वो पहले नहीं गए। देखिए मैं लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स, वो चाहे आसिफ अली जरदारी हो चाहे जनरल मुशर्रफ हो, लेकिन कोई जजेस के पास भी कोई लाइसेंस नहीं है कि वो किसी की हिजो करें, कोई को किसी के पास लाइसेंस नहीं है। हर आदमी को अपना कानून के दायरे में रहते हुए अपने अख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए और किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि आप कोई ऐसे फिक्रे बोले जिससे कि एक किसी शख्स की भी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचता। अच्छा, कसूरी साहब आपकी इजाजत से चूंकि आप सीनियर सियासतदान भी हैं और आपने अपने बाल सफेद ऐसे ही नहीं किए, बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े आपके तजुर्बात हैं और सर लोग भी जानते हैं, कानून भी पढ़ा हुआ है, माहिर कानून भी है, यही बात मैं करने जा रही थी। सर इसका दूसरा गर्म पहलू देख लें, दूसरा पहलू ये बनता है कि बहुत से लोग कहते थे जो अदलिया है वो एक साबिक डिक्टेटर को नहीं बुलाती, सिर्फ जमहूरी लोगों के खिलाफ घेरा तंग है। उन लोगों को तो एक शटअप कॉल चली गई ना कि साबिक डिक्टेटर को भी बुलाया और दबंग अंदाज में ही बुलाया, तो अदलिया बायस्ड नहीं है, उन्होंने मुशर्रफ साहब को भी वैसे ही बुलाया जैसे जरदारी साहब के बारे में बात की, उसी तरह नवाज शरीफ साहब के बारे में बात की, कानून की नजर में सब बराबर। हाँ मैं समझता हूँ जी के देखे जैसे मैंने कहा लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स, जो जहां तक ताल्लुक है कानून का वो अपना रास्ता खुद बनाता है और कानून की निगाह में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सब कानून की निगाह में बराबर होते हैं और कोई शख्स कानून से बालातर ना होता है ना होना चाहिए। लेकिन चीज ये है कि जजेस को भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि ऐसे फिक्रे नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि देखें जजेस और पॉलिटिशियन में फर्क है। पॉलिटिशियन जो होता है वो खुद नुमाई के लिए फिक्राबाजी करता है, जज को नहीं चाहिए। जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट, वो जब जजमेंट लिखते हैं तो जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो अपने जजमेंट में लिख देते हैं,
वो अपना उनकी कोशिश ये नहीं होती कि वो खुद नुमाई हो उनकी। अरे सर, सर आपका टाइम चूंकि कीमती है तो आपसे मैं लास्ट सवाल पूछूंगी, उसके बाद ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब जो मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं तो सवाल का बॉल उनके कोर्ट में फेंकूंगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मुशर्रफ साहब को अब दोबारा कहा गया कि अपनी अहलिया के एहसासों की तफसीलात दें और इस तरह के सवाल पूछे गए। मुशर्रफ साहब अपना पाकिस्तान में करियर आगे क्या देखते हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले वो दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान में अभी भी उनका करियर है, अगर वो आते हैं वो इलेक्शन जीतने का भी दावा करते थे, ट्विटर पर फॉलोइंग की भी हमेशा बात करते हैं और मैं भी बहुत सी बातों में मुशर्रफ साहब को बड़ा पसंद करती हूं। लेकिन सर आपको क्या लगता है, मुशर्रफ साहब अगर जब तक अदलिया में आके फेस नहीं करेंगे तमाम चीजों को, तमाम केसेस को, और ये आके जो तफसीलात मांगी जा रही है पेश नहीं करेंगे, तो सर आप उनका करियर क्या देखते हैं पाकिस्तान में? देखिए बात यह है कि वो उनको चाहिए अदालत में आए और अपना मौकफ पेश करें और अदालत से तोक्को करें कि अदालत जो है उनको इंसाफ देगी कानून के मुताबिक। बाकी मैं समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ का मुझे कोई सियासी कोई मुस्तकबल कोई नजर नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। पर सर आपको एक सिंगल वजह अगर मैं पूछूं, क्या वजह है कि नजर नहीं आता कि वो पाकिस्तान के फेस नहीं कर रहे अदालत को? देखिए बात ये है कि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ना, पार्टी जो थी माजे वजूद में आई पहली अक्टूबर 2010 को, 8 साल हो गए हैं। 8 साल इज ए क्वाइट ए साइजेबल पीरियड जिन्होंने जिस पार्टी ने अपना आगे तरक्की करनी हो और आगे अपना कुछ मामलात को सही सिमत पर लेके जाना, तो दो चार ठीक है जी अहमद रजा। बात यह है कि देखिए सर, सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, आई थॉट कि आपका रब्ता मुनकता हो गया तो इसलिए मैं जस्ट वाइंड अप की तरफ जा रही थी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है वो मुझे नहीं सुन पा रहे थे, मुझे पहले भी लगा कि रब्ता मुनकता हो चुका है। खैर उन्होंने अपने मौके से आगाह कर दिया, बड़ी तफसा कर दिया। सर आपसे जाना चाहूंगी लास्ट कॉमेंट चाहूंगी, उसके बाद हम टॉपिक चेंज करते हैं, कैसे देखते हैं आप जी बात? आप इनकी राय को सेकंड करते हैं? मैं समझता हूं कि उनको आकर अपने खिलाफ मुकदमात को फेस करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जैसे कसूरी साहब कह रहे थे, अदालत में भी इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं कमांडो का ताना देना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। हमारी फ़ौज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एसएसजी, और उनके मोराल पर भी असर पड़ता है जब आप इस किस्म के ताने इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप इंसाफ कीजिए, अदालत को चाहिए कि बिल्कुल इंसाफ करें और जिस पे इल्ज़ाम है उसको आना चाहिए अदालत में, लेकिन अदालत को पहले ही अपने बयानात से इस किस्म का तासर नहीं देना चाहिए कि वो भरे बैठे हैं किसी के खिलाफ। कोर्ट की जो स्टेटमेंट्स है उसमें भी मेरा ख्याल है कि एहतियात होनी चाहिए, और जो अदालत से इंसाफ लेने आ रहा है उसको ये तासर नहीं मिलना चाहिए कि पहले से अदालत का मिजाज उसके खिलाफ हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अदालती प्रोसीजर का एक बड़ा मेरा ख्याल है बैन अलाक्वामी तौर पर मुसलमा असूल है कि इंसाफ के फैसले से पहले कोई इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स रिमार्क्स देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहले से ही इस किस्म का मिजाज अगर बनाया जाए तो फिर लोगों को शिकायत होती है कि मेरे खिलाफ पहले से ही फैसला हुआ था और जो मेरा मुकदमा सुना गया वो बस एक रस्मी बात थी, मुझे सजा तो उन्होंने देनी थी। दूसरी तरफ जो आपने बात की थी कि सब नजर आना चाहिए, नॉन सीरियस इमेच्योर लोग होते हैं, हालांकि बड़े सियासतदान होते हैं वो तो कहते थे फैसला चेंज हो रहा है तभी डिले हो रहा है टाइम। हाँ वो देखिए बहुत सारे अवामिल होते हैं, तो इसलिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि अदालत खामोशी से केस सुने और फैसला दे और मेरिट पर फैसला दे, ये बहुत अच्छी बात है। इस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो बात को थोड़ा सा स्पॉइल करते हैं, और मुदब्बराना तर्ज़ अमल तो यही है कि आप सबूत को सुनिए, वकीलों के दलाइल सुनिए, सबूत जो सामने आए हैं वो सुनिए, और रिमार्क्स में एहतियात होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने पहले शुरू में कही थी कि वो सबको एक नज़र से देखना चाहिए, उसमें ज़्यादा जो अवाम में तासर पाया जाता है वो ये है कि पनामा केस में 462 के करीब लोग थे और उसमें अभी तक जो है ट्रायल वो सिर्फ एक का हुआ, तो एक ही वक्त में अगर सबका ट्रायल होता शायद मुश्किल आने वाले का दावा यही कि नया पाकिस्तान बनते ही तमाम लोगों का एहतसाब होगा, चाहे वो हमारे देखिए ना आजम का सही, तो उसमें तो फिर बड़े बड़े नाम हैं,
उसमें तो नया पाकिस्तान बनाने वालों के रिश्तेदारों के भी नाम हैं, उसमें जज साहब के भी नाम है। तो दावे पूरे होंगे या फिर कल ही खुल के रह जाएगी कि उम्मीद है कि ये पूरा होगा इसी तरह। चलें जी ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रिगेडियर साहब ऐसा मौजूद है, ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे बात करेंगे दो अहम शख्सियात के बारे में, दोनों बड़ी दबंग शख्सियात और टीवी पे आप अक्सर इन शख्सियात को देखते हैं, किसी तारुक के मोहताज नहीं है। और दोनों का दावा है कि जी रेटिंग में जैसा रेटिंग क्वीन कहती मीरा अपने आप को, ये रेटिंग किंग्स हैं जी। और किसी हद तक दुरुस्त दावा है कि दोनों को लोग जानते भी हैं, इनको सुनते भी हैं, इनको देखकर टीवी आप रुक भी जाते हैं क्योंकि इनमें माशाल्लाह मल्टी टैलेंट मौजूद है। एक मैं बात कर रही हूँ जी आमिर लियाकत साहब की, उनके मसाइल क्या हैं, अब इनका हल क्या आपको नजर आता है और बेसिकली मसाइल की जड़ क्या है। और दूसरी शेख रशीद साहब की, जिनको मिनिस्ट्री मिली और जिस तरह कहते ना कि जी मिनिस्ट्री मिलने का इंतजार हो रहा था कि शुक्र है मुझे मिनिस्ट्री मिली, अब मैं तमाम चाह पूरे करूंगा अपने, जैसे नई नवेली दुल्हन होती ना कि मेहंदी उतार ही नहीं रही होती, तमाम शौक पूरे कर रही होती है, बनाओ सिंगार। इसी तरह शेख साहब कहते मिनिस्ट्री मिली अब सारे बच के जाएंगे कहां। और शेख रशीद साहब पाकिस्तानी फिल्मों के कोई हीरो बन गए, तो ब्रेक की बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर लेते हैं आमिर लियाकत साहब की, जिन्होंने हाल ही में सियासत ज्वाइन की, पहले भी एक दौर में सियासत में रहे हैं, किसी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज भी थे। खैर मैं पुरानी बातें नहीं खोलना चाहती, बाद में आप एज एन एंकर इनको देखते रहे। और एज एन एंकर अगर बात की जाए तो मैं तो आमिर लियाकत साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत से लोग तनकीद करते हैं उन पर कि जी ये प्रोग्राम भी करते हैं, वो भी करते हैं, मॉर्निंग शो भी करते हैं, टॉक शो भी करते हैं, कुकिंग शो भी कर लेते हैं, इसके साथ साथ आलिम ऑनलाइन भी कर लेते थे, मजहब पर भी बात करें। तो मैं तो कहती हूँ कि आप तनकीद करने के बजाय ये क्यों नहीं सोचते कि एक बंदा हर फन मौला भी तो हो सकता है। जब वो मॉर्निंग शो करते हैं तो वो डॉक्टर शाइस्ता से कम आपको दिखाई नहीं देते हैं, जब वो आलिम ऑनलाइन करते हैं किसी मजहबी स्कॉलर से कम दिखाई नहीं देते हैं, जब वो टॉक शो करते हैं तो वो किसी हामिद मीर से कम नहीं होते हैं, और जब वो सियासत कर रहे हैं तो किसी सियासतदान से बिल्कुल कम नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, किसी सियासतदान से बिल्कुल कम दिखाई नहीं देते, खुल के पॉलिटिक्स कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। वो समझ नहीं आ रही कि आमिर लियाकत साहब को आखिर अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है। तलखियां इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई हैं कि आमिर लियाकत साहब जो है खफा हो गए हैं, रूठ गए हैं। तो जो एमक्यूएम है ना, जिनके रूठने मनाने का सिलसिला हमेशा हम देखते रहे, जारी रहता है, कोलिशन में रहते हैं गवर्नमेंट के साथ, रूठ जाते हैं, मान जाते हैं, फिर रूठ जाते हैं, मान जाते हैं। अक्सर फारूक सत्तार भाई के बारे में मैं बात करती हूँ कि फारूक भाई सुबह नाराज हैं, दोपहर के खाने पर मान गए हैं, रात के डिनर पर पता चला कि फारूक भाई तो फिर दोबारा नाराज हो गए हैं, फिर दोबारा नाश्ते पे फिर मान जाते हैं। तो आमिर लियाकत साहब वो जो एमक्यूएम की कसर है ना, शायद इस टाइम पे वो पूरी कर रहे हैं कि आमिर लियाकत साहब अब नाराज हो गए। पहले उन्होंने कहा जी कि व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने छोड़ दिया, बकायदा पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट लिखा नजर भी आया सोशल मीडिया पर। ये जो इशू है बड़ा वायरल है जी, जबान जदयाम है, क्योंकि खुद भी वो बहुत ज्यादा एक नॉन पर्सनैलिटी है, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर आपको पता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो किसी भी इशू पे, उनके साथ कोई इशू लग जाए, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने वो हेलीकॉप्टर वाली बात कर दी थी, हेलीकॉप्टर में पर किलोमीटर क्या जो है वो खर्चे की बात कर दी थी। तो सुबह से मैं देख रही हूँ कि चुटकुले लोग छोड़े हैं, ट्विटर पे बातें कर रहे हैं, ज़बानें ज़दयाम है, बल्कि मैं बल्कि तस्वीरें देख रही थी कि लोग कह रहे थे कि जी ये बताइए कि क्रूज पे कितना खर्चा आएगा, खान साहब खुद बनी गाला से अगर वहां जाना तो कितना खर्चा होगा। मतलब लोगों ने इस बात को एक जोक बना लिया, खैर वो बात वाकई जोक वाली ही थी, अगर मैं कोई गलत बात करूं तो माजरत चाहती हूं जी पीटीआई वालों से। करीम खादर साहब किसी तारुक के मोहताज नहीं है, उनके कोर्ट में बॉल डालती हूं सवाल का। खादर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। आपका मौके चाहेंगे सर कि आमिर लियाकत साहब इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। ये तो एमकेएम करती होती कि नाराज होगी सुबह दोपहर में मान गई, फिर रात में नाराज होगी, फिर नाश्ते पे मान गई। आमिर लियाकत साहब क्या एमकेएम के वतीरे पे चल रहे हैं कि कभी नाराज हो गए कभी मान गए? सर अभी तो शुरुआत है, अभी से इस तरह की हरकत। बेसिकली आमिर लियाकत पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, मैं पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ और प्रोफेशन वाइज एक साइकेट्रिस्ट भी हूँ। तो उसका पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, वो कहीं मुतमिन नहीं होता है, कहीं फिट नहीं होता है, कभी वो एमक्यूएम का है, कभी वो एक्सट्रीमिस्ट है, कभी वो डिक्टेटर का हामी है, कभी वो ही है, कभी वो शी है। तो वो अपनी पर्सनैलिटी जो होती है ना, 30 साल तक इंसान की डेवलप होती है, उसके बाद वो वही चीज रहती है जब तक वो जिंदा रहता है, कोई भी आदमी कोई भी इंसान। तो अब वो पर्सनैलिटी मैटर्स है। अब उसका पहले वो जो शो करता था उसमें पैसे वैसे बहुत कमाता था, अभी वो शो वो बंद हो गए, वो एमएनए बन गया है और इस पर कोई ट्रस्ट भी वैसा नहीं करता है। पर्सनैलिटी में बड़े तसाद हैं, कभी वो इस्लामिक स्कॉलर है, कभी वो लिबरल है, कभी वो सेकुलर है, कभी वो नेशनलिस्ट है, कभी ये है कभी वो है। तो वो मैटर ये है कि वो आजकल इसको शायद इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है,
उसको पीटीआई में, तो ये तसादात का शिकार है। ये हो सकता है कि मेरे ख्याल से इसके अदालत में भी वो कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, हो सकता है कि उसमें, हो सकता है वो अदालत सब जुडिस इशू है, मुझे पता नहीं क्या होगा, तो उसको एक अचात होंगे कि हो सकता है कि कोई ऐसा जजमेंट आ जाए तो फिर वो दोबारा टीवी चैनल में उसको मौका मिले, तो वो इसलिए वो रास्ता बना रहा है। जब वो एमक्यूएम में आया था तो फिर उसने देखा कि एमक्यूएम में नहीं मिल रही है उसको जगह सेकंड टाइम, तो फिर उसने एमक्यूएम के खिलाफ बकबक की और फिर उसको दोबारा टीवी चैनल से जगह दे दी। तो मैं समझता हूँ कि अभी वो इसी अदालत में जो केस चल रहा है, मिनिस्टर भी नहीं बना है, पर्सनलिटी फसले हैं उसके। ख्वाजा साहब, आपकी बातों से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ इस प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड, आपकी बातों से, जो कि आपने कहा कि आप साइकेट्रिस्ट भी हैं और आप सियासत को भी समझते, जारी बात है आप एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो आपसे, आपकी बातों से मैं कंक्लूड कर लूँ कि वो डिप्रेशन में है और डिप्रेशन की वजह से ऐसी हरकत हो रही है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ पब्लिकली, मैं एक एनालिसिस किया है। और वैसे सर, वैसे आपने कहने के लिए कुछ बाकी नहीं छोड़ा, अगर हमें इलाके साहब सुन रहे हो तो आपने तो बहुत कुछ कह दिया। वो तो अब आवाम को फैसला करना है, अब ये कोई बीमार है नहीं है क्या है, ये मेरे ख्याल से मेरे लिए सूट नहीं करता है। मैंने जो सर आपने इससे भी बड़ी बात नहीं कह दी, ही है शी है, मैं तो उस पर, मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया, मेरे प्रोड्यूसर ने कहा मैडम वो तो बंद कर ले। नहीं नहीं, ही एंड शी तो इस तरह है कि जो गुफ्तगू में हम इस्तेमाल करते हैं। सर इसका क्या मतलब है वैसे, ही एंड शी का मतलब? मैं तो किस कुछ और जानती हूँ, ब्रिगेडियर साहब आप क्या जानते हैं, हम तो कुछ और समझते हैं। ही एंड शी, नहीं नहीं, ही और शी का मतलब है कभी वो आसमान पर है, कभी जमीन पर है, कभी वो आग में है, कभी समंदर में है, कभी वो यस है, कभी वो नो है, तो इसका मतलब इस पैमाने में आप ले ले। सर आपने घुमा दिया की ना आपने सियासतदानों वाली बात, मैं ही एंड शी से कुछ और समझ गई थी, मेरे तो 14 तक रोशन हो गए। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं जी सर कि ट्रांसजेंडर का बिल जो है जो सेनेट में, देखिए सर आपने खुद ही बता दिया, हालांकि मैंने नहीं आपको बताया कि मैंने ट्रांसजेंडर समझा था, बिल मैं लेकर आया था और पार्टी ने पास किया था, उसके बाद नेशनल असेंबली में पास हुआ। तो ये मुझे जरूर एक कंट्रीब्यूशन इंसान की होती है थोड़ी बहुत माशरे के हवाले से, तो मैं ट्रांसजेंडर्स को बहुत अहमियत देता हूँ, इसलिए कि खुदा ना खासा वो ट्रांसजेंडर नहीं है किसी भी हवाले से, ये गलत बात है। मगर ही और शी इस्तेमाल होता है कि भाई कभी आप एक बात करें, कभी दूसरी बात करें, कभी ये करें, कभी वो करें, उस पैमाने में आप ले लें इसको। चले सर, आपने मेरी वोकैबुलरी में इजाफा कर दिया। अच्छा सर, आखिर मैं ये जानना चाहूंगी कि जो एमक्यूएम है उसकी वजह से तो उनको ये ट्रेनिंग नहीं हुई कि नाराज होना, फिर मान जाना, फिर नाराज होना। कई बार लोग नाराज होते हैं, बच्चे होते हैं, आप साइकेट्रिस्ट भी हैं, बहुत से बच्चे माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे, ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, हमारी बात नहीं मानी गई, तो वो तवज्जो चाह रहे होते हैं, वो अटेंशन सीकर्स होते हैं। अटेंशन सीकर आपने कह दिया, उसका मतलब है कि साइकेट्री की टर्म में जो हिस्टेरिक पेशेंट होता है वो अटेंशन सीकर होता है। बाय द वे उसको ट्रेनिंग है तो पता नहीं क्या कहाँ से मिली है, कहाँ कहाँ से उसने ट्रेनिंग हासिल की है, वो मैं टीवी पर तो नहीं कह सकता हूँ, मगर वो एमक्यू में भी रहा है, अभी पीटीआई में है, कल पता नहीं किसी और पार्टी में चला जाए, अल्लाह बेहतर जानता है। और ये कि उसमें तसादात है बहुत। अच्छा खादर साहब, मैं आपसे इजाजत लेने से पहले, हालांकि खबर मैंने आगे जाकर डिस्कस करनी थी, हमारी तीसरी खबर है, ब्रिगेडियर रियाकत अली तूर साहब भी मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपसे ओपनिंग कर लेती हूँ और आपसे भी जान लेती हूँ कि शेख रशीद साहब जो कि काफी देर से टीवी टॉक शोज में नजर आते थे 7 से रात 12 बजे तक, और काफी देर से फारिग थे, किसी मिनिस्ट्री को नहीं संभाल रहे थे, तो नई नई मिनिस्ट्री मिली, तो पंजाबी अगर आप समझते हैं तो चौड़ हो गए हैं, लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं तो कहते हैं जी मौला जट बन गए हैं, अच्छू गुजर बन गए कि जी आ गए अच्छू गुजर साहब मैदान से आ गए, नहीं उन किसी ने नहीं छटना। आपको बातें भी आप सुन रहे होंगे कि जी रेलवे में आते ही कुछ लोगों ने छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, किसी को उन्होंने शटअप कह दिया, किसी को कहा कि रजिया भट्ट के नावल मुझे ना सुनाओ, कई मोटर साइकिलें गिरवा दी, कहीं पे एक ट्रैफिक वार्डन को मौतल करवा दिया। सर कैसे देख रहे हैं शेख रशीद साहब, क्यों कर रहे हैं सब कुछ? आपको पता होना चाहिए कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी ये रेलवे का वजीर था। एग्जैक्टली, और रेलवे बहुत खसारे में था ये भी मुझे पता है सर, उस वक्त जो तबाही बर्बादी हुई थी रेलवे की। अब मसला है कि शेख रशीद जो है जिन लोगों का आदमी है तो उसमें कोई हाथ नहीं डालता है, मगर इसने जो कारनामे उस दौर में किए थे वो मेरे ख्याल से उस वक्त की अखबार अगर आप उठा लें तो पता चल जाएगा कि इसने क्या क्या करना है। बदकिस्मती से इमरान खान को चाहिए था कि इसको कोई पार्लिमानी अफेयर का वजीर बना देते तो बेहतर रहता, इसको इन्होंने रेलवे देकर बड़ा नुकसान किया है, और इससे कोई अच्छी चीज की उम्मीद आप नहीं कर सकते।
नेगेटिव मेंटेलिटी का आदमी है, तो इससे मैं समझता हूँ कि इससे कोई अच्छी उम्मीद पाकिस्तान के लोगों को नहीं होनी चाहिए। यानी ख्वाजा साहब, नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पुराने लोगों को जो ऐड कर लिया, वो भी वो पुराने लोग जो उन मिनिस्ट्रीज में चले हुए कारतूस कंसिडर होते हैं कि अब वो चले हुए कारतूस हैं, उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तो उन्हें मिनिस्ट्रीज दे देना सर। आप इंटरनेट पर जाकर देखेंगे परवेज मुशर्रफ के दौर में जब ये वजीर था तो इसने क्या तबाही की थी, क्या चीजें हुई। अच्छा सर, आपके देखिए ना, आपकी पार्टी में तो दोनों ही नहीं ना, अगर साद रफीक साहब की बात कर लें, शेख रशीद साहब की बात कर लें, आप किसको ज्यादा नंबर देते हैं? रेलवे की बात करें, साद रफीक साहब आपको इनसे बेहतर लगते थे बताओ, रेलवे मिनिस्टर? नेचुरली जो हमने इंटरनेट पर देखा, टीवी पर देखा, तो साद रफीक ज्यादा बेहतर थे इसके परवेज मुशर्रफ के दौर में शेख रशीद के मुकाबले। सिर्फ सियासतदान तमाम लोग ये बात क्यों करते हैं, एक जानब कहते हैं कि मीडिया जो है वो हमारा इमेज खराब करता है, दूसरी जानब जिस सियासतदान से बात होती है, मैंने टीवी पे देखा, मैंने मीडिया पे देखा, आई एम रियली सॉरी मैंने आपको पॉइंट आउट नहीं किया, एक जनरल सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे मैंने टीवी से देखा, मैंने मीडिया से देखा। शेख रशीद साहब भी कल परसों सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहे थे इस बात पे कि आपने कहां से देखा, मैंने टीवी पे देखा, यानी आप लोगों का सोर्स टीवी चैनल्स बन गए हैं। देखिए हमारा सोर्स, आई होप आपको मेरा सवाल बुरा नहीं लगा। नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानू, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो सोर्स होना चाहिए वो होता है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, वो पॉलिटिकल वर्कर, वो पार्टी, वो शख्स कामयाब है जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पर रहता है एक से एक। ये बिल्कुल ये एक टूल है आज मॉडर्न सोसाइटी में। यानी सर हम जो सियासतदान है उनके हलकों के जो पीपल हैं, लोग हैं, उनका कॉन्टेक्ट मीडिया वाले सियासतदानों से करवाते, क्योंकि वो तो हलकों में जाते ही नहीं वोट लेने के बाद, ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आदमी कामयाब है जो हलका हो, सूबा हो, पाकिस्तान के लोगों से पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में हो। और नेचुरली ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया टूल है आज के दौर में, इसे इनकार नहीं कर सकते, मगर अगर अगर एक आदमी हर रोज टॉक शो में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और आवाम से टच में नहीं हो, अपने लोगों से टच में नहीं हो, तो वो मेरे ख्याल से नाकाम आदमी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ करीम ख्वाजा साहब मौजूद थे और जिन्होंने बड़ी सीधी ब्लंट बातें, दबंग बातें, कह दूं जो भी कह दूं बिल्कुल ठीक होगा। और लिटरली मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि मैडम अपना मुंह तो बंद कर लें आप, मैं तो आई वो मुझे नहीं पता मेरे एक्सप्रेशन के, मैं बाद में देखूंगी रिपीट, बाकी मैंने अपना मुंह खोल लिया था क्योंकि सर उन्होंने कहा कि ही एंड शी हैं आमिर लियाकत साहब, और बहुत कुछ बोला, एंड ही एंड शी का मतलब हमें तो एक ही पता है, तो मैंने उनसे बोला करीम ख्वाजा साहब से कि सर ही एंड शी का क्या मतलब है, उन्होंने मुझे एक मेरी वोकैबुलरी में इजाफा कर दिया, नाजरीन आपकी वोकैबुलरी में भी मेरी तरह इजाफा होगा, उन्होंने कहा कि ही एंड शी का मतलब कुछ और होता है, वो नहीं होता, तो मैंने उनको मतलब नहीं समझाया, उन्होंने खुद ही कह दिया कि आप ट्रांसजेंडर समझी थी, इसका मतलब है कि आपको समझ आ गया कि आपने क्या बोला था। सियासतदानों की तरफ बात है से गोल की कि हमें गोल कर दिया जी, सर कैसे देखते ब्रिगेडियर साहब? देखिए आमिर लियाकत साहब उन लोगों में हैं जो पीटीआई की मकबूलियत को भांप कर पीटीआई में शामिल हुए, और तमाम वो लोग जो इस तरह शामिल हुए जो ओरिजिनली पीटीआई के वर्कर्स नहीं थे और पीटीआई के साथ उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, ये जब आप कहें कि ऑब्जेक्टिव करीब आया तो उन्होंने देखा कि अब इस यहाँ से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, बहुत सारे लोग इसलिए आए, इसीलिए फसली बटेरा कहा जाता है इन लोगों को। अब एक तमन्ना लेकर आते हैं ना, अगर स्ट्रगल के शौकीन होते या नज़रियाती तौर पर पीटीआई के साथ होते तो फिर पीटीआई के साथ 2013 से शामिल होते या शायद उससे पहले भी शामिल होते, लेकिन वो आए उस वक्त जब पीटीआई की मकबूलियत का सबको अंदाज़ा हो रहा था और एक हिजरत शुरू हो चुकी थी बटेरों की, और वो जो इलेक्टेबल्स हैं तो ये भी अपने आप को इलेक्टेबल्स हैं। आप इमेजिन करें चले एक दो को छोड़ के जो जितने भी इलेक्टेबल्स थे, इलेक्टेबल्स के बारे में कॉन्सेप्ट यही होता है कि इलेक्टेबल वो होता है जो जीतेगा, ठीक है ना, इलेक्टेबल्स जितने भी थे, या अगर डेफिनेशन की डेप्थ में जाएं तो बहुत सी डेफिनेशंस बहुत से लोगों ने बाद में निकाल ली थी, इलेक्टेबल्स सर जितने भी खड़े हुए इलेक्शन में ज्यादातर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ओके, लेकिन फिर ये उन्हीं लोगों में है ना, उन्हीं लोगों में है जो, आपकी बात सही है, लेकिन बहुत सारे इलेक्टेबल फिर पीटीआई का नाम लेकर कामयाब भी हो गए। अब वो जो कामयाब हुए उनको वजारतें भी मिल गईं, तो बेसिकली तो इसीलिए आते हैं ना कि ये जीतने वाली जमात है, जीतेंगे, हमें कोई ओहदा मिलेगा और माशरे में एक मकाम बढ़ेगा, टैका जिसे कहते हैं वो बनेगा। अब अगर वो ना बने या फिर वो थोड़ा सा फील करें कि मुझे यहाँ पर अशाइये की बात है कि गवर्नर हाउस में अशाइये पे मदऊ नहीं किया गया, उस पर भी नाराज़गी है, कोई कह रहा है कि जी वजारत नहीं मिली इसलिए ना खुश हैं, और अगर हम इनका रिकॉर्ड देखें तो ये यानी पार्टी में सब वजारत लेने के लिए जाते हैं ब्रिगेडियर साहब।
होना तो ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग तो ओहदे के लिए जाते हैं, वो सियासत में इसीलिए आते हैं क्योंकि ओहदा मिले। बहुत निकालते हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि अभी तक हमारी जमहूरियत इतनी आप कहें कि मैच्योर और पुख्ता नहीं है, और इसलिए बहुत सारे लोग जो सियासत में आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि ओहदा मिलेगा, एक मुआशरे में मकाम बढ़ेगा, पावर हाथ में आएगी, और जब पावर हाथ में आती है तो सबसे पहले तो सब अपने जाती अना को सेटिस्फाई किया जाता है। जो ही पावर आती है, आप देखिए कि डीपीओ के साथ क्या हुआ, बात तो अना की है ना, तुम्हारी ये जरूरत कि मुझे रोका, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो एग्जैक्टली यही अल्फाज थे कल शेख रशीद साहब के, यहाँ पे जो बाइक्स है, आपको पता है मैं वजीर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वही अवामी बंदा जिसकी पार्टी के नाम के साथ अवामी अटैच है, खुद को अवामी बंदा डिक्लेयर करते रहे पिछले 10 साल टीवी पे, करते रहे। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा रवैया नहीं है। जब आपको इख्तदार मिले या आपको ताकत मिले तो आपको ज्यादा आप कहना चाहिए कि ठहर जाना चाहिए। जिस दरिया में पानी में गहराई होती है उसमें शोर कम हो जाता है, तो ये तो गहरी बात की। जी हाँ, तो जिस दरिया में गहराई होगी वो इतना शोर नहीं मचाएगा, तो जब गहराई नहीं है, कम जर्फी है, तो फिर आप ज्यादा शोर मचाएंगे और छोटी छोटी बातों पर इस तरह के काम करेंगे। अगर हम इस तरह अपनी अना की को असर्ट करने लगें, अना का अना जताने वाली बात करें, यह बात करें कि मैं वजीर हूँ, मेरे सामने जो आए एक बार डरा हो, अदब से निगाह रूबरू हैं, तो ये वाला जो मामला हो बाअदब होशियार, जैसे को बादशाह सलामत, राइट। तो अभी हम जब नए पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन जब नया पाकिस्तान बनाने भी आए तो फिर ये चीजें सामने आ गईं। अब मेरा ख्याल है ये बहुत चंद दिन गुजरे हैं, आमिर लियाकत आपको बहुत लंबा वक्त है, तो शायद हालात में बहुत बेहतरी हो जाएगी, लेकिन होना ये चाहिए कि जो जिन लोगों को वजारतें मिली हैं उनमें तहमल आना चाहिए, उनमें बुर्दबारी आनी चाहिए, उनको उस दरिया की तरह होना चाहिए जिसमें बहुत गहराई आ गई। तो विलन आ, बहुत बड़ा मिशन तो चीजें नजर आ रही, बहुत से लोगों में विलन आ रहे हैं। अभी सिर्फ 10 दिन गुजरे हैं, मेरा ख्याल है आइंदा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आप इस बात को इस तरह देख रहे हैं ना, मैं इस तरह देख रही हूँ कि 10 दिन में ये हो गया, ये खतरनाक बात है और ये तश्वीश का बायस है पूरी कौम के लिए कि अगर पहले 10 दिन में इतने वाकयात सामने आ गए, डीपीओ को उसकी तजलील कर दी गई, तस्दीक की गई, शेख रशीद साहब ने सीनियर ऑफिसर्स को शटअप कह दिया और उन पर बड़ा ऑफेंसिव बिहेवियर किया, आप प्रेजेंटेशन सुनने आए हैं, आप प्रेजेंटेशन उनकी वो जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, नाम कि रजिया भट्ट, वो अपनी कारकर्दगी का इहाता कर रहे हैं। नॉवल ना सुनो, मतलब रजिया भट्ट के नॉवल आपको क्या लगता है, आज जो यंगस्टर्स देख रहे होंगे कि रजिया भट्ट के नॉवल में ऐसा क्या है, क्योंकि कह रहे मुझे रजिया भट्ट रिगमरोल की बात की ना, कि ये आप बहुत ज्यादा तूलानी बात कर रहे हैं, ये मेरे सामने कहानियां सुना रहे हो, कहानियों वाली बात हुई ना, रजिया भट्ट के नॉवल मत सुनाओ का मतलब कहानियां सुनाओ, काम की बात करो, यानी जो कुछ वो कह रहे हैं वो काम की बात नहीं है। तो ये कितने सीनियर ऑफिसर को उसके मातहतों के सामने इस तरह की बात करना, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर हम उन लोगों का रवैया देखें जिनकी हुकूमतें 400-400 साल से कायम है, जैसे हाउस ऑफ विंडसर है इंग्लैंड का, तो क्वीन विक्टोरिया तो अपने जर्नैलों को सर कहती थी, हालांकि वो खुद फील्ड मार्शल थी। अच्छा सर, मैं हमारी खुद फील्ड मार्शल थी। सियासतदान का जिक्र करना चाहूंगी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब की अगर बात करूं, बड़ा रिगार्ड देती थी अपनी टीम को। मैं मुझे खुद तजुर्बा है, मैं भुट्टो साहब की सिक्योरिटी में होता था। अहमद अली साहब यहां बैठे थे, आप पहले कंप्लीट कीजिए। जी, भुट्टो साहब में आप कहें कि इस लिहाज से उनकी रवादारी बहुत थी, हम लोग सिक्योरिटी के लिए आते थे और वो जाते हुए थैंक यू कैप्टन कह के जाते थे और हाथ भी मिलाते थे। तो इसी तरह और सर बेने से बाकी भी हैं, बाकी भी हैं, सब यहीं बैठे थे आपकी जगह जनरल पहले, जनरल जिया मातहतों के साथ बहुत अच्छा सलूक होता था। प्यारी बात की सरदार आसिफ साहब, उनके दौर में आपको याद होगा जब 93 में आई थी बीबी बतौर वजीर आजम, नवाज शरीफ साहब को रिप्लेस किया था उन्होंने, तो उनके दौर में 4 साल यानी 97 में जब नवाज शरीफ आए तब तक वजीर खारजा रहे थे सरदार आसिफ साहब। सरदार आसिफ साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि एक बार उनका कहीं आई जस्ट फॉर गॉड द कंट्री कि कहीं जाना हुआ तो उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया, तो किसी ने पूछा के जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खारिजा पॉलिसी के हवाले से पूछा, तो बेनज़ीर साहिबा ने कहा कि मेरे वजीरे खारिजा फॉरेन मिनिस्टर मेरे साथ हैं
तो ये बात बेहतर ये बता सकते हैं, मैं नहीं, ये होता है किसी को रिगार्ड देना, जितना बड़ा ओहदा किसी को रिगार्ड देना बाहर जाके, जितना बड़ा ओहदा आपको मिल जाए उतना आपको ज्यादा रवादार हो जाना चाहिए, ज्यादा मेरा ख्याल है तहजीब और अखलाक आपके पास होनी चाहिए और इस किस्म की सतही बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन शायद शेख रशीद साहब सियासतदान ही ऐसे हैं ना, वो गली मोहल्ले की सियासत करते हैं। सर, सब टोटल चार मिनट रह गए तो मैं चाहती हूँ जरा इस पे भी थोड़ा सा बता दें कि जो अभी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हैं वो पीटीआई की जिंदगी के क्या साबित हो रहे हैं। दो ऑप्शन दूंगी, रिहाम खान पहली ऑप्शन, पीटीआई के लिए रिहाम खान का किरदार अदा करें सर दर्द के लिहाज से, डिप्रेशन के लिहाज से, परेशानी के लिहाज से, या फिर जिसका नूह लीग के लिए दर्द सर बने रहे चौधरी निसार। मैं समझता हूँ कि अभी तो पहला ही दिन है उनके इख्तलाफ, यानी अब रिहाम खान कहेंगे चौधरी निसार, दोनों टफ कंपटीशन है, ज्यादा मेरा ख्याल है करीब वो होंगे, अगर वो नाराज ही रहे तो चौधरी साहब के तरह होंगे, लेकिन चौधरी साहब के पास चौधरी साहब को मैं बड़ा इख्तदार भी था सर, चौधरी साहब बड़ी जेन्युइन बातों पे नाराज होते थे नून लीग से, उनके पास इख्तदार भी था, लेकिन आमिर लियाकत साहब पहले इनकी दोस्ती की पींगें परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, जनरल साहब के साथ, लेकिन फिर वहाँ भी नाराजगी हो गई कि वो तस्वीर आपको याद नहीं है जहाँ पे किनके साथ बैठे हुए थे, बिल्कुल इस तरह बैठे हुए थे कि मैं वो वर्ड्स नहीं बोल सकती, जरदारी साहब राइट, तो फिर उनके साथ भी नाराजगी हो गई, तस्वीर की अगर हम बात करें राइट, तो मैं कहता हूँ कि वो दोस्ती लगाते हैं फिर दोस्ती तोड़ते हैं, तो एक तरह से हरजाई है ना, तो पॉइंट जरदारी साहब से बहुत दोस्ती तो नहीं हो गई, ये भी हो सकता है कि उनको कोई दूसरी तरफ से इशारा मिला हो, लेकिन इस तरह मेरा ख्याल है कि मतलबन मिजाजी है, वो कभी एक के साथ होते हैं फिर नाराज हो जाते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये नाराजगी जो होती है ये बुनियादी तौर पर बहुत बड़ी तो हुई अपना है। जो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज उसको खराब करेंगे, और एक इंप्रेशन ऐसा बन गया है कि ये अपनी अना बहुत ज्यादा है, और इनको सेटिस्फाई करने के लिए अगर तो बाकी नाराज हैं, उनकी नाराजगी बजा है तो ठीक है जी, मैं उनके हक में बात करती हूँ कि जी पीटीआई वाले मना लें उन्हें, उनकी नाराजगी तो टेबल टॉक पे बात होनी चाहिए, इस तरह अलग अलग के 10 दिन हुए अभी आप लोगों को आए हुए, तो इस तरह लड़ाइयां करना और इस तरह का इंप्रेशन देना जो लोग उम्मीद लगा के बैठे पाकिस्तान के लिए उनको आप दिल बर्दाश्त करें, लेकिन अगर आप किसी के कहने पर ऐसे करें जैसे कि जरदारी साहब के साथ आपकी तस्वीर जो आई थी उसकी वजह से मेरा ध्यान गया कि जरदारी साहब की वजह से तो नहीं, तो किसी के कहने पर अगर आप ऐसे करें तो ये ना हो कि आपको कोई फुटबॉल की तरह यूज करके किक मार दे, ऐसा तो नहीं होगा, अगर देखिए अगर हर एक से आप दोस्ती लगाएंगे और हर एक से दोस्ती तोड़ेंगे और छोटी छोटी बातों पर, बात तो अना की ना उन्होंने कि मुझे मदऊ नहीं किया गया वहां पर, तो ये अना की बात आ गई ना, तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को ज्यादा ठहरा होना चाहिए। एक मिनट है, मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा हूं, आप देखिए कि उनकी जो सीनियर की आदत है, अगर हम इमरान इस्माइल की बात करें उनका भी मौकिफ सामने आया, इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके सिंध के सदर हैं उनका भी, शमीम नकवी साहब उनका भी मौकिफ सामने आया, जिस जिसकी मैं बात करूँ डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि सदारती इंतखाब के लिए नॉमिनेटेड है जी पीटीआई की जानिब से, उनका भी मौकिफ सामने, सबका ही मौकिफ सामने आया कि जी वो डिफेंड कर रहे हैं पीटीआई को और आमिर लियाकत साहब के खिलाफ जा रहे हैं मौके, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया, पार्टी के जो लॉयलिस्ट हैं वो तो खिलाफ ही जाएंगे, वो तो यही मतलब कहेंगे कि इसका मतलब है कि आमिर लियाकत साहब के लिए पार्टी के दरवाजे बंद होते प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं होगी, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त तो जो पार्टी के लॉयलिस्ट हैं जिन्होंने पार्टी के साथ काम किया हुआ है वो तो पार्टी को डिफेंड करेंगे, और बादी नजर में देखें तो पार्टी का कसूर भी क्या है, यानी सर ब्रिगेडियर साहब आप लोग तो ज्यादा बिलीव करते हैं आर्मी ऑफिसर्स होता है, अपनी डिसिप्लिन लाइफ होती है, टाइम पे खाना, मैनर्स, टेबल मैनर्स, तो कोटेशन वगैरह जो गोल्डन सेइंग्स उन पे आप लोग ज्यादा अमल दरामद करते होंगे, इंप्लीमेंटेशन जो कहते हैं जी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आप इस चीज को चेंज होता दिखाई देते हैं, ये फर्स्ट इंप्रेशन है, वुडंट बी द लास्ट इंप्रेशन इज वेल, फर्स्ट इंप्रेशन अगर खराब हो जाए तो फिर वो कहते हैं ना कि जान नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ, तो वो शीशे में बाल आ जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये किसी ने सही कहा था और हम तो इस चीज को मानते हैं जी, गोल्डन लोग थे जो गोल्डन बातें करके चले गए अपनी जिंदगी के तजुर्बा। सर आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, फिर मुझे आपसे इजाजत लेनी और फिर अगले घंटे हमारे साथ एक नया टॉपिक और नए मेहमान, आपका लास्ट कमेंट। लास्ट कमेंट तो यही है कि हमारी सियासत में ये जो रवैये नजर आ रहे हैं ये कोई अच्छे इशारे नहीं हैं, मेरा ख्याल है कि वज़ीरों को अपने आप पर काबू पाना चाहिए, नई वजारत मिली है, इक्तदार मिला है, तो मुल्क की खिदमत होनी चाहिए, और ये समझना चाहिए कि इस किस्म का जो रवैया है
बिल्कुल लोगों को डराने वाला, उससे जो आपके मातहत हैं उनका इनिशिएटिव सल्ब हो जाएगा, वो फिर काम इसी तरह करेंगे कि हर वक्त अपने आप को बचाने का इंतजाम पहले करेंगे कि चूंकि नई आने वाली हुकूमत ने हर एक को बेईमान बनाना है, हर एक पे मुकदमे बनाने हैं, इसलिए वो काम करते वक्त हिचकिचाएंगे बहुत और पहले अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देंगे, हर वक्त अपने आप को बचाते रहेंगे और ऐसी सूरत हाल में काम नहीं हो सकेगा, ये मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, हमारे प्रोग्राम के वकार को बुलंद करने के लिए, तजिए से अपने तजरबात से लोगों को आगाह करने के लिए। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी नाजरीन, और ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस मुलाजा करेंगे, और हेडलाइंस के बाद 11:05 पे आपकी मुझसे मुलाकात होगी और आपके लिए लाइव कॉल के लिए नंबर खुला होगा, आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं, खासतौर पर तमाम डॉक्टर्स जिनको इशूज हैं, तमाम मरीज जिनको इशूज हैं, क्योंकि मेरे मौजूद होंगे यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सीनियर मेंबर्स, करंट भी, पुराने भी, और एक स्कैंडल वर्ड होता है, एक स्कैम वर्ड होता है, तो हम जो स्कैम वर्ड है वो यूज करेंगे कि बहुत बड़ा एक स्कैम हम ब्रेक करने जा रहे हैं। पंजाब की अगर हम बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की, और जो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर्स रह चुके हैं ख्वाजा इमरान नजीर साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब, आप दोनों भी अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए और देखिए कि कितनी तेज आपकी पल्स चलेगी, क्योंकि वाईडीए के जो मेंबर्स हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, करंट भी और एक पुराने भी, वो बैठकर आज तमाम कलाई खोल के रखेंगे सबूतों के साथ, और हम कोशिश करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी शामिल गुफ्तगू करें और देखेंगे नए पाकिस्तान में वो हेल्थ का फ्यूचर क्या देखती हैं, और अगर हम पंजाब की बात करें कि करप्शन क्या डॉक्टर्स लेवल पर भी होती है, क्या इसको भी माफिया कह सकते हैं, और ये करप्शन की दास्तान अगर है क्या, तो ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत अहम पॉइंट आपको बताने जा रही हूं नाजरीन, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, चैनल चेंज ना कीजिएगा। 20 से 25 लाख मुझे बताया गया डॉक्टर सुलेमान की जानिब से, जब हमने प्रोग्राम करना होता है हम बकायदे से पूछते हैं कि आपके पास एविडेंस है, क्योंकि हम जिम्मेदारी के साथ खबर आप तक पहुंचाते हैं, और बिल्कुल जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि कोई भी बात हो ताकि हमारे पास जवाब मौजूद हो, इनके पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, मैंने, मेरी टीम ने, हमारे चैनल ने एविडेंसेस देखने के बाद इनको यहाँ बिठाया, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब कोई आता है एविडेंस लेकर ही आता है, डेफिनेटली इन्होंने मुझे बताया कि 20 से 25 लाख एक हॉस्पिटल से जाता है ऊपर, ऊपर कहां जाते हैं बताइए, और 20 से 25 लाख एक हॉस्पिटल से जाता है अगर, तो फिर कितने हॉस्पिटल्स हैं, तो टोटल ये महाना कमाई इन्होंने बताई, महाना 20 लाख एक हॉस्पिटल से बिल्कुल जाता है, इसको आधा भी कर दिया, 10 लाख नहीं मैं कर नहीं सकता, उसकी वजह कि मैं 20 लाख है, मैं बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठा था ना, मुझे तो पता है कि वहां क्या होता है। सुने नाज़रीन, 20 लाख मिनिमम 20 लाख एक हॉस्पिटल से डॉक्टर सुलेमान कह रहे हैं कि जाता है ऊपर, और वो एक हॉस्पिटल से जाता है महाना, तो सालाना कितना बना एक ही हॉस्पिटल से, 2.5 करोड़ एक हॉस्पिटल से, तो बाकी हॉस्पिटल्स की अगर हम गिनती कर लें कैसे जाते हैं बताएं, अब देखें क्या जाते हैं, कैसे जाते हैं। मेरे पास जो चार्ज थे उसमें 4-5 चीजें थी, मैं इसको समराइज करता हूँ। स्टोर्स का चार्ज था मेरे पास, जिसमें जनरल स्टोर आता है, ठीक है, आप मेरे, अंदर रहके देखा, मेरे एमएस ने मुझे कहा कि आपने इस स्टोर का ऑडिट करना है, ठीक है। जब मैंने ऑडिट स्टार्ट किया तो वो बंदा कहां पर लग गया, वो जो स्टोर इंचार्ज था, कीपर था, उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप ऑडिट ना करें, मेरी मजबूरियां समझे, ये स्टोर में अगर 80 लाख लिखा है तो यहाँ पे 40 लाख का भी सामान नहीं पड़ा हुआ, बाकी पैसे जो है ना मैंने अकेले ने नहीं खाए, ये पहले एक्स एमएसएस और बाकी सेक्रेटरीज तक जाते रहे हैं, मुझे निशाना बनाया गया, मेरे पास ऑडिट की रिपोर्ट पड़ी है, ऑडिट की रिपोर्ट पड़ी है मेरे पास 2017 सारे सबूत लेके बैठे, ऑडिट मैंने किया, ऑडिट मैंने किया है। अच्छा, फिर उसने मुझे बताया कि आप ये देखें कि आपके पास डॉक्टर सुलेमान के, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि मुझे डिमोटिवेट कर दिया गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, सजा जी, क्योंकि नोली करती ये थी। अब बात ये है कि होता क्या है कि डीएमएस एडमिन के पास एस्टैब्लिशमेंट होती है, सिक्योरिटी प्लस प्राइवेट अदारे जो सफाइयां करते हैं, और सिक्योरिटी वो जो तहफुज फराम करती है मरीजों को, डॉक्टर्स को, वहां पे अगर अटेंडेंस लगाई जा रही होती है 50 लोगों की, तो फिजिकल ग्राउंड रियलिटी के ऊपर मौजूद होते हैं लोग 25, जब मर्जी किसी भी हॉस्पिटल में गिने जा सकते हैं। अब होता क्या है कि उसकी सैलरी कैश डिलीवर की जाती है एक फोकल पर्सन को, जो प्राइवेट कंपनी की तरफ से अपॉइंट कर दिया जाता है उस हॉस्पिटल में, वो पैसा इकट्ठा करके जो उधर टाउट्स होते हैं सेक्रेटरीज के, जो टाउट्स होते हैं डीजीज के, वो पैसा इकट्ठा करके ऊपर हिस्सा रख के उधर तक पहुंचाता है, जो थोड़ा वो पैसा बेचारा बच ही जाता है फंड्स में आ गया एमएसएस के, वो पैसा इसी तरह जो है ना खराब करके मंथलियां करप्शन करके वो बर्बाद कर दिया जाता है, तो छत्ते गिरेगी ना फिर, लेडी विलिंगटन हो या लेडी एचिसन हो तो छत्ते गिरेगी ना फिर, छत्ते गिरेगी, इसी तरह होगा ना, जब पैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगा रहे, जो करना चाहिए जितना बच रहा है वो लगा दो, फ्री की मेडिसिन की बड़ी कैंपेन करते हैं जी, फ्री मेडिसिन, फ्री में शिवाशी साहब को मैंने बड़ी दफा कहते हैं सुना,
पिछले दौर में ये कंप्लेंट करती है फ्री मेडिसिन। आप बताएं, खुद डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आते हैं क्या फ्री मेडिसिन मुहैया होती है हॉस्पिटल्स में? तो मेरे ख्याल से कुछ दवाइयां होंगी, सरदर्द की दवाई, एंटी पायरेटिक ड्रग, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसको नॉनस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनएसएड कहते हैं, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की मेडिसिन है वो मरीज को पकड़ा दी जाती है। और जो महंगी अदवियात है सिंपल एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक और एक ड्रिप वगैरह लगा, 25 रुपए की ड्रिप लगा दी जाती है। और जो महंगी अदवियात होती है वो मरीज से कह दिया जाता है कि आप बाहर से लेके आए। अब बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ फ्री अदवियात मौजूद हैं, वो मरीज जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो कहता है कि डॉक्टर साहब बाहर तो बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ फ्री अदवियात हैं, आप मुझे कह रहे हैं बाहर से लेके आए। और हम आप उन्हें क्या बताएं कि भाई यहाँ अदवियात जो आ रही हैं वो आपको दे दी गई हैं, और अगर आपने इलाज करवाना है तो ये हमें मेडिसिन प्रोवाइड करें। अब वहां भी मरीज और डॉक्टर के दरमियान क्लैश होता है। मरीज समझता है कि डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है, डॉक्टर नहीं होता, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, उसने मेडिसिन ही वो दी होती है, थोड़ी सी मेडिसिन। अब एक और मसला है, देखिए हम आते हैं उसके, आपने अब हम अवामी इश्यूज के ऊपर आते हैं। अगर हम फ्री मेडिसिन की बात करते हैं, अगर हम बर्न यूनिट्स की बात करते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, अगर हम अच्छी पेस की बात करते हैं, या डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर की इज्जत की बात करते हैं, तो मुझे एक डॉक्टर फिजा एक क्वेश्चन है, अगर आप डॉक्टर को आसान करेंगे, डॉक्टर की इज्जत देंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने डॉक्टर्स की इतनी डॉक्टर के अंदर मियार है कि वो इज्जत आगे मरीजों में कन्वर्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे? डॉक्टर आसान होगा तो मरीज आसान होंगे, डॉक्टर की बेहतरी बेसिकली मरीज की। अच्छा, एक बात मुझे आपके डॉक्टर आते बहुत अच्छी लगी और मैं टोटली अग्री करूंगी कि एक डॉक्टर जो 36 घंटे से जागा हुआ है और 36 घंटे से काम कर रहे हैं, आप इमेजिन करें नाजरीन कि 36 घंटे में कितने पेशेंट्स आए होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आपके कोर्ट में मैं बॉल फेंकती हूँ नाजरीन के, आप खुद जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सरकारी अस्पतालों से जेड़े लोग जानते हैं, कुछ लोगों ने पंजाबी समझ ताड़ल पंजाबी से गल करांगी क्योंकि ज्यादातर वो तबका होता है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, बेचारे कहाँ जाए। तो तुम जो जानते हो किसी ऐसे हॉस्पिटल अस्पताल जिथे तुम सरकारी अस्पताल उत्थे तेरा डॉक्टर 36 घंटा तो जागया होगा, पंजाबी आती नहीं है, वो तानू किवें चेक करेगा, पूरे होशोवासे किवें चेक करेगा, जिदी नींद नहीं पूरी हुई, जिने खाना नहीं खांदा पिछले 36 घंटा तो तानू किवें चेक करेगा? बेटा फिजा, सबसे अपना रिस्पांसिबिलिटी आती है नहीं गवर्नमेंट की। मैं एज अ वाईडीए एक मेंबर, एक कॉमन डॉक्टर, मैं नई गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि आतिफ, एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूँ, यही सब बात कीजिएगा प्लीज, आप लिख लेंगे आप क्या कहने लगे थे। लाइव कॉलर मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से क्या कहेंगे? जी वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद यूसुफ बात करूं लाहौर से, फाइनल ईयर का स्टूडेंट, अजरा नईद मेडिकल कॉलेज लाहौर। चले फाइनली किसी डॉक्टर के कॉलेज। जी यूसुफ, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो दोनों वाईडीए के मेंबर्स बैठे हुए हैं, क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं ये आपकी ऐसी शिकायत है, आपने वहाँ पे देखी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नई गवर्नमेंट बनी है ना पीटीआई की, जी तो यंग वाईडीए जो है कितना टाइम देगी उनको और अपने मुतालबात मनवाने के लिए किस तरह उनसे बात करेगी, और जो है ना जो हमारी वजीर सेहत भी है वो भी एक डॉक्टर है तो उनसे अपने मुतालबात ये कैसे मनवाएंगे अगर उन्होंने इस चीज पे ना किया जो उनके वादे हैं पूरे ना किए, तो अगला लाए अमल क्या होगा इनका? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की, उन्होंने बड़े डीप क्वेश्चंस पूछे, डेफिनेटली तो खुद डॉक्टर हैं मिनिस्टर और उन्होंने खुद ये तमाम मसाइल देखे होंगे, इतनी बड़ी डॉक्टर वो तमाम इन मसाइल से गुजर के बनी हुई, कभी वो भी यंग डॉक्टर थी, यंग डॉक्टर थी, कभी उन्होंने भी एडहॉक देखा होगा टाइम पीरियड, उसके बाद जब वो परमानेंट हुई होंगी तमाम ही जो पापड़ बेलने पड़ते हैं तमाम डॉक्टर्स को, उन्होंने तमाम चीजें खुद की होंगी, तो यकीनी तौर पर वो मसाइल को ज्यादा अच्छे तरीके से आगे उठा सकती है और उनको हल भी कर सकती है। एक तो बिल्कुल पार्टी की तरफ से मैं ओपनली कहता हूं कि हम डॉक्टर यास्मीन राशिद को वेलकम करते हैं, उनके आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं 100% बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, हम कोई आधी हड़ताली नहीं है, हमें हड़ताली डॉक्टर्स ना कहा जाए, बोर्ड बनाने वाले ये सवाल ही पैदा नहीं, सलमान एक्सम सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम नई गवर्नमेंट को टफ टाइम दे अगर वो डॉक्टर्स की और पेशेंट की फलाह के लिए रिफॉर्म्स लेके आए। जब से यास्मीन राशिद मिनिस्टर बनी है, हर डॉक्टर, पूरे पंजाब का हर डॉक्टर खुद को मिनिस्टर समझता है, पूरी डॉक्टर कम्युनिटी का मोराल अप हुआ है, हम डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हैं, वो हमसे तजावीज लें, हमें अपना सोल्जर समझें, हमें अपना सिपाही समझें, अपने बच्चे समझें, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम जानती हैं, और हमें उम्मीद है कि अगर पॉलिसीज डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बनाई और उन्हें फ्री हैंड दिया गया तो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर रिफॉर्म आएंगी और सतेली मां जैसा सलूक खत्म किया जाएगा और वो डॉक्टर्स भी सुख का सांस लेंगे जिन्हें नून लीग की गवर्नमेंट
पीटीआई का डॉक्टर क्या क्या के इस्तेमाल करते हैं। आपका टाइम खत्म होने के करीब है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, उस्मान है लाहौर से। उस्मान आप मेरे सुन पा रहे हैं? शायद कॉलर हमें नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, मैं अभी देख रही थी कि आई वॉज अबाउट टू योनिंग, एक टर्म होती है जिसको जमाई लेना कहते हैं, तो मैं जमाई लेने लगी थी। मुझे याद है कि मैं लाइव शो में बैठी, मैं जमाई कैसे ले सकती हूँ? वैसे नेचुरल लगते छींक भी आ सकती है, जमाई भी ले सकते हैं, खांसी भी आ सकती है, हिचकी भी आ सकती है, तो नेचुरल चीजें चूंकि हम लाइव होते हैं। क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाई एक प्रॉब्लम की वजह से, मेरी सास भी बीमार हैं और वो भी एक प्रॉब्लम है घर में, मदर की तरह होती है सास भी, और मैं उस वजह से भी थोड़ी सी परेशान थी। फैमिली में कोई परेशान होता है तो आप भी परेशान होते हैं, उसके अलावा एक मतलब और भी प्रॉब्लम थी, इसके वजह से मैं जाग रही थी। मैं टोटल 2 घंटे सोई हूँ और अभी मेरी नींद से बुरी हालत हो रही है। अभी मैं बताना क्या चाह रही हूँ, मैं इस तकलीफ को महसूस कर रही हूँ और मैं इसके साथ लिंक कर रही हूँ कि मैं सिर्फ रात को 2 घंटे सोई हूँ और अभी मैं जमाइयाँ ले रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कैसे प्रोग्राम खत्म हो और जल्दी से मैं घर जाके सो जाऊँ। वो डॉक्टर जो 30 घंटे से जागे होते हैं, जो 40 घंटे से जागे होते हैं, 42 घंटे से जागे होते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी? अच्छा, आप कभी जाग के देखें नाजरीन, हम डॉक्टर से गिला कैसे कर सकते हैं? एक डॉक्टर जो 36 घंटे से हॉस्पिटल में किसी को ट्रीट करे, क्या वो चिड़चिड़ा भी नहीं होगा? क्या उसको डिप्रेशन नहीं होगा? क्या चिड़चिड़ापन उसके अंदर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा? एक दिन आप जाग के देखें, नींद ना पूरी होने की वजह से आप कितने चिड़चिड़े होंगे, आपके सर में कितना दर्द होगा, आपको कितना डिप्रेशन होगा, आपकी आवाज किस तरह बैठ जाएगी? मेरी आवाज बैठ रही है, हाल की तरफ आना चाहिए। देखें, इन्होंने पीटीए के एक मंशूर में, इनके अपना एजेंडा में एक चीज शामिल थी कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, टाइम टू ने और अल्लाह बेहतर करे जितने में भी देनी है। देखिए, जो लोग पहले नौकरी पे बैठे हैं, पहले उनकी जॉब सिक्योरिटी की जाए, उनको तहफुज फराम किया जाए। केपीके ने सिंध ने किया, मैडम से हमारी खसूसी रिक्वेस्ट है। अच्छा, कॉलर है जी, कोई इम्तियाज है, वो डॉक्टर आतिफ मजीद से बात करना चाहते हैं। डॉक्टर आतिफ, आपसे बात करने के लिए अस्सलाम वालेकुम जी। इम्तियाज प्लीज कहिएगा, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी ना डॉक्टर आतिफ मजीद साहब से सवाल है जी। इम्तियाज प्लीज बताइएगा, टाइम बहुत कम है। डॉक्टर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्लाह शुक्र, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, मुझे एक बात, आप अपने हक के लिए स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, सर्विस के लिए आप स्ट्राइक करते हैं, तो आपको यही पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में हमें ये सामान प्रोवाइड करेंगे, ये मेडिसिन देंगे, ये सर्जिकल आलात देंगे, तो हम किसी पेशेंट को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप प्रोवाइड चीजें आपको गवर्नमेंट नहीं करती, तो आप उस अपना टॉपिक पे स्टैंड क्यों नहीं लेते, उधर से ट्राई क्यों नहीं करते? गुड क्वेश्चन, वैसे अच्छा सवाल है, आप लोगों के खिलाफ जाता है, लेकिन मैं कहूंगी अच्छा सवाल है। समझ नहीं आया क्या जी? बहुत शुक्रिया इम्तियाज, मैं बता दूं, उन्होंने कहा है कि जी आप लोग अपने मुतालिबात के लिए स्ट्राइक करते हैं या डॉक्टर्स, लेकिन जब आप लोगों को अगर इक्विपमेंट की कमी है, वहां पे अद्वियात की कमी है, आपको जो सर्जिकल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, आपने कभी उस पर एहतजाज क्यों नहीं किया कि हम जब तक हमें इक्विपमेंट नहीं मिलेगा हम पेशेंट को चेक नहीं करेंगे? बहुत दफा किया। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में लास्ट टाइम कब किया था बेसिकली? इसमें भाई मैं तो दोनों एंगल्स को डिस्कस करूंगी ना जी। डॉक्टर फिजा, लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर 14 अगस्त को 1 बेड 1 पेशेंट के ऊपर एहतजाज किया था, ठीक है, 14 अगस्त को पिछले साल 14 अगस्त से लेके और पिछले 4-5 साल, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि हमारे जो ज्यादातर एहतजाज होते हैं वो पेशेंट्स के लिए होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है पेशेंट खुश होगा तो हम खुश होंगे। लेकिन मैं आज से ऑन एयर ये सबको ये चैलेंज करता हूं, हम यंग डॉक्टर्स कभी भी एहतजाज पे नहीं जाएंगे अगर हमारे मुतालबात मीडिया, कोई भी और अदारा, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी पार्टी, कोई भी और सिविल सर्विस, सिविल सोसाइटी है, वो उठाने के लिए हमारे साथ हामी भर लेती है। चाहे वकला, मैं वकला को रिक्वेस्ट करता हूं कि आइंदा से वो हमारे मुतालबात वो उठाया करें, हम एक दिन भी शालामार की तरफ से के लिए नहीं जाएं। शालामार हॉस्पिटल से पैरामेडिक स्टाफ से कोई है? अस्सलाम वालेकुम जी, भाई क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने डॉक्टर आसिफ मजीद साहब से बात करनी थी जी। प्लीज जल्दी करें, टोटल 1 मिनट है जी। जी जी सर, मैंने यही कहना है कि बिल्कुल मैं भी शालामार हॉस्पिटल में ही जॉब करता हूं, और वाकई बहुत ज्यादा ये डॉक्टर की हेक्टिक जो है जॉब है, और सर इसमें कोई भी लाहमल नहीं बनाया जा रहा। हमारे ख्याल के मुताबिक तो एक ड्यूटी ही एक डॉक्टर को करनी चाहिए एक वक्त में, लेकिन ये क्यों, ये या कि डॉक्टर की कमी है, हालांकि हमारे भी मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और इतना ज्यादा वहाँ पे डॉक्टर कमी तो है ना, कमी नहीं है क्या डॉक्टर की? बहुत ज्यादा कमी है, जॉब जॉब्स मतलब नहीं दी जा रही।
और सीटें खाली पड़ी हैं, फिल ही नहीं किया जा रहा है, वैकेंट पोस्ट पड़ी हैं, उच्च शिक्षा में पड़ी हैं, ग्रेजुएट पड़ी हैं। अपने क्लोजिंग की तरफ जाना है डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर सुलेमान बहुत शुक्रिया, हम आपको दोबारा फिर बुलाएंगे और फॉलो अप प्रोग्राम करेंगे कि क्या आपके इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद देखते थे पंजाब के इश्यूज को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि पंजाब एक बड़ा है। लाहौर की अगर बात की जाए, लाहौर के हॉस्पिटल कैसे बेहतर हो सकते हैं? ख्वाजा मिरानजीर साहब, आपसे तो मुझे उम्मीद थी क्या फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन ख्वाजा सलमान रफीक भाई आपसे उम्मीद नहीं थी आप फोन नहीं उठाएंगे, बार बार आपको फोन किया, ऑन रिकॉर्ड फोन किया, पहले भी इन्फॉर्म किया जाफर ने जो कि मेरे प्रोड्यूसर हैं, और आपने फोन बंद कर दिया, बहुत अफसोस हुआ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। और आपने सेहत के हवाले से सुना होगा नाज़रीन, जान है तो जहान है, लेकिन इनकी गुफ्तगू को मैं कंक्लूड इस तरह करूंगी कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जो PMLN को वोट नहीं देगा उसकी ना तो फिर जान है, उसके माथे पे गन रख दी जाएगी, जिस तरह डॉक्टर सुलेमान के साथ हुआ, और फिर जहान भी आपका कोई नहीं है, फिर आप ऊपर जा सकते हैं, बहुत गलत बात। लेकिन जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चके, जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चके, तो डॉक्टर सुलेमान आपको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, गन भी तानी गई, आपको तंग भी किया गया, टर्मिनेट भी किया गया, अब आप जॉब भी कर रहे हैं। डॉक्टर सुलेमान को लगता है कि अब उनकी MS जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, वैसे बहुत हिम्मत की बात है डॉक्टर सुलेमान, आई विश के आपकी जो MS है दोबारा नाम बताइएगा जरा उनसे, फौजिया साहिबा प्लीज इनको टर्मिनेट ना कीजिएगा, टफ टाइम भी ना दीजिएगा, प्लीज एक दूसरे के लिए आसानियां बांटे, आसानियां बांटें। जब आप आसानी बांटते हैं ना, आप कमेटी डालते हैं अल्लाह ताला के साथ और आपकी वो निकलती है। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।